हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम 30 जून के करंट अफेयर्स कवर करेंगे सो नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट न्यूज आर्टिकल है रिलेटेड टू मिलिट्री ड्रिल्स इन ब्लैक सी और रशिया इस मिलिट्री ड्रिल के खिलाफ है मिलिट्री ड्रिल का मतलब है मिलिट्री एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज का नाम है सी ब्रीज सो सबसे पहले ब्लैक सी की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये है ब्लैक सी और कंट्रीज सराउंडिंग ब्लैक सी की बात करें तो एक है यूक्रेन एक है रोमानिया थर्ड है बुल्गारिया फोर्थ है टर्की फिफ्थ है जॉर्जिया एंड सिक्स है रशिया सो so, ये छह कंट्रीज इस ब्लैक सी को सराउंड करती हैं। अब यहां पर जो मेन मैटर है वो ब्लैक सी के अलावा एक और एकोजोग्राफिकल लोकेशन से एसोसिएटेड है ये है यूक्रेन और ये है क्रीमिया ये क्रीमिया यूक्रेन का ही पार्ट है लेकिन 2014 में रशिया ने इसे अनेक्स कर लिया था सो so, ये ब्लैक सी है जिसके बारे में हमने अभी बात की और इसी के लिए रशिया अभी इस मिलिट्री एक्सरसाइज का विरोध कर रहा है सो एग्जाम से हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है एक्सरसाइज का नाम जो है सी ब्रीज उसके बाद कंट्रीज सराउंडिंग ब्लैक सी वो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है इसके बाद स्ट्रीट जो कि रशिया को क्रीमिया से कनेक्ट करती है इन द सेंस इन दोनों के बीच में ये गैप है और ये सी ऑफ अजो को ब्लैक सी से कनेक्ट करती है एक और इंपोर्टेंट बात जब रशिया ने क्रीमिया को कनेक्ट किया था उससे पहले जी ग्रुप हुआ करता था लेकिन बाद में

कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सो so, उनको डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसका कंटेक्स क्या है कि रिसेंटली दिल्ली ने स्पीड लिमिट्स अपडेट की हैं स्पीड लिमिट अपडेट करने का मतलब है कि अपर लिमिट फिक्स कर दी है जैसे यहाँ पर एक बोर्ड आपको दिख रहा है यहां पर कार के लिए अपर लिमिट है सेवेंटी सेवेंटी से ऊपर आप कार को नहीं चला सकते इस हाईवे पर और ट्रक और बाकी व्हीकल्स के लिए यह लिमिट है फिफ्टी सो स्पीड लिमिट का पर्पज क्या है पर्पज ये है कि रोड एक्सीडेंट्स को कम करना इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स डेथ का एक मेजर रीजन है यानी इंडिया में बहुत ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए ये स्पीड लिमिट्स सेट की जाती हैं और पहली बार दिल्ली ने ये स्पीड लिमिट्स जो रिवाइज की हैं उसमें पहली बार टू व्हीलर्स को इंक्लूड किया जाएगा यानी स्कूटी बाइक ये सबको इंक्लूड किया जाएगा इसके अलावा रूरल एरियाज को भी इंक्लूड किया गया है पहली बार यानी लोकल जो रोड्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है सो तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि रोड सेफ्टी से रिलेटेड और रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए इंडिया ने एक ब्राजीलिया डिक्लेरेशन भी साइन की है सो so, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि ब्राजीलिया डिक्लेरेशन किस चीज से रिलेटेड है ऑप्शन दे सकते हैं जैसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन माइन बैंड ट्रिटी चाइल्ड अडोप्शन या रोड सेफ्टी माइन बैंड के लिए ओटावा है चाइल्ड अडोप्शन के लिए हेग कन्वेंशन है नेक्स्ट रिलेटेड है ड्रोन अटैक से और ये पहली बार है कि इंडिया के किसी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर ड्रोन की मदद से अटैक किया गया है सो सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है और ये एक नया थ्रेट पोज करता है इंडिया के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को सो so, इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको सभी चीजें एक साथ समझ में आए सबसे पहले ड्रोन होता क्या है सो so, ये एक आप सिस्टम देखिए ड्रोन इनको यू बोलते हैं अनमेंड एरियल व्हीकल सो अनमेंड क्यों क्योंकि देखिए ये इंसान तो बाहर ही है ये इसके अंदर तो बैठे नहीं है और इसको रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं रिमोट उनके हाथ में है सो एरियल एरियल व्हीकल क्यों क्योंकि ये हवा में है अब ड्रोन से प्रॉब्लम क्या है सी के साथ सबसे मेन समस्या क्या है कि इसको रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है तो मान लीजिए पाकिस्तान में बैठा कोई भी टेररिस्ट ड्रोन को ऑपरेट करके इंडिया में अटैक करवा सकता है दूसरी बात ड्रोन की मदद से सर्वेलेंस की जा सकती है इंडिया के जो एनिमीज हैं, वो सर्वेलेंस कर सकते हैं सर्वेलेंस का मतलब है ड्रोन पे ये कैमरा है जैसे यहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ है तो इस कैमरा की मदद से पूरे एरिया को ट्रैक किया जा सकता है कि कहाँ पर क्या चीज है और बाद में उन पर अटैक किया जा सकता है या फिर उसका कोई भी मिसयूज किया जा सकता है तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ड्रोन इतने छोटे डिवाइस हैं कि राडार है वो भी इनको पकड़ नहीं पाती सो so, ये एक नए तरीके का सिक्योरिटी प्रॉब्लम पोज करते हैं अब ड्रोन से रिलेटेड इंडिया में गाइडलाइंस भी हैं और उन गाइडलाइंस के लिए एक पोर्टल भी है यह है डिजिटल स्काई पोर्टल और ये डीजीसीए का पोर्टल है डीजीसीए क्या है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर एविएशन रिसेंटली उड़ान स्कीम के कारण भी न्यूज में थी उड़ान का फुल फॉर्म है उडे देश का आम नागरिक सो so, हमने ड्रोन कवर कर लिया ड्रोन से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो किस प्लेटफॉर्म पर स्पेसिफाइड है यानी कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आप अपने ड्रोन को रजिस्टर करवा सकते हो और इसके थ्रू ही आपको ड्रोन फ्लाई करने की परमिशन मिलेगी और ये परमिशन कौन देगा डीजीसीए एक और इम्पोर्टेंट बात कि ड्रोन को फाइव कैटेगरी में डिवाइड किया गया है नैनो ये है लेस देन 250 ग्राम सो so, ये फाइव कैटेगरीज है नैनो माइक्रो स्मॉल मीडियम और लार्ज ये वाली कैटेगरी है नॉर्मली आप जो यूट्यूबर्स देखते हो या फिर नॉर्मल लाइफ में जो यूज देखते हो ड्रोन का वो इस कैटेगरी में है बाकी सब के लिए आपको प्राय परमिशन लेनी होगी डीजीसीए से ड्रोन्स को फ्लाई करने के लिए इसके अलावा तीन जोन बनाई गई है ग्रीन जोन येल्लो जोन और रेड जोन रेड जोन में फ्लाई परमिशन नहीं दी जाएगी फॉर एग्जाम्पल जैसे राष्ट्रपति भवन है या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है उसके आसपास का एरिया इतना सिक्योर होना चाहिए तो ऑब्वियसली वहां पर परमिशन नहीं दी जाएगी येलो में आपको परमिशन लेनी होगी उसी के बाद आप फ्लाई कर सकते हो ग्रीन में आपको सिर्फ टाइमिंग बताना है फिर आप फ्लाई कर सकते हो सो तीन जोन है पांच कैटेगरीज है ड्रोन से रिलेटेड रिसेंटली का पहला ऐसा देश बना है जिसने होस्टाइल, ड्रोन्स। होस्टाइल ड्रोन का मतलब की मदद से इस चीज को बोलते हैं हार्ड किल एक और चीज होती है सॉफ्ट किल सॉफ्ट किल का मतलब क्या होता है कि आपने जो सिग्नल्स हैं उनको जैम कर दिया है अब क्योंकि सिग्नल जैम है तो जो ड्रोन का कंट्रोलर है जो आदमी ड्रोन को कंट्रोल कर रहा है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा यानी आपने इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसको तोड़ दिया है सो तो ये इसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं और मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है जैमर्स आपने देखा होगा एक एक और चीज ऑल्डो अनरिलेटेड है कि आजकल जब एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं तो उनके केस में भी रूम्स में जैमर्स लगाए जाते हैं ताकि कोई भी डिवाइस स्टूडेंट्स लेकर ना जा सके जिससे वो चीट कर सके सो तो वैसा ही कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किया जाता है सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास में नाउ रिसेंटली इसराइल एक और चीज के कारण न्यूज में था आयरन डोम आयरन डोम क्या है ये इसराइल का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आर्किटेक्चर है तो काम कैसे करता है ये एक एग्जाम्पल है मान लीजिए इधर से कोई एक मिसाइल आई यहां तक तो इधर से काउंटर रिस्पॉन्स में एक एंटी मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया जाएगा और वो इसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा अच्छा मिसाइल्स के कंसेप्ट में दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। एक है क्रूज मिसाइल और एक है बैलिस्टिक मिसाइल सो इनको भी देख लेते हैं दोनों को याद करने का मोस्ट सिंपल तरीका क्या है है बैलिस्टिक मिसाइल वो ऐसे बनाएगी बनाएगी क्यों बनाएगी? उसके पीछे का रीजन ये है देखिए बैलिस्टिक मिसाइल आपने लॉन्च कर दी यहां तक उसमें फ्यूल यूज होगा उसके बाद वो फ्री फोल करेगी फ्री फोल का मतलब है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो फोल करेगी और यहाँ पर टारगेट को अटैक कर देगी लेकिन क्रूज के मिसाइल के केस में क्या होता है कि क्रूज मिसाइल में पूरे रास्ते आप उसको कंट्रोल कर सकते हो जबकि बैलिस्टिक मिसाइल के, के केस में हमने यहां तक तो कंट्रोल किया उसके बाद वो फ्री फॉल करेगी तो हमारे कंट्रोल में उतना नहीं रहेगी सो so, दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है सी एडवांटेज ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल में हम रेंज लंबी रख सकते हैं रेंज लंबी कैसे रखेंगे कोई भी मिसाइल को लॉन्च करने के लिए हमें फ्यूल भी जरूरत होगा जो कि उसको वहां तक पहुंचाएगा सो ये जो फ्रंट साइड है मिसाइल का ये वोर हेड बोलते हैं इस चीज को और यहां पर होगा मिसाइल का फ्यूल जो कि इसको उड़ाएगा अब अगर हमें लंबी दूरी के लिए मिसाइल्स बनानी है तो ऑब्वियसली अगर हम ज्यादा फ्यूल लगाएंगे क्योंकि लंबी दूरी के लिए आपको फ्यूल की जरूरत होगी और अगर हम ज्यादा फ्यूल लगाएंगे तो मिसाइल की अफिशियंसी है वो कम होगी स्पीड है वो कम हो जाएगी तो इसके लिए क्या किया जाता है कि

बाईपास करते हुए टारगेट को अटैक करेगी तो इसमें आप पूरे रास्ते उसके पाथ को कंट्रोल कर सकते हो आई थिंक अब आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा सो so, ये थे रिलेटेड इश्यूज नेक्स्ट टॉपिक है अल सलवाडोर से रिलेटेड सो अल सलवाडोर ने एक डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है इसका नाम है चीवो रिसेंटली अल सलवाडोर पहली कंट्री बना था दुनिया में जिन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर अडोप्ट किया था इस कंट्री की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो so, ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है ये है पेसिफिक ओशियन ये है मैक्सिको ये है क्यूबा क्यूबा कैपिटल हवाना यह है पनामा सिटी कोस्टा रिका और अल सलवाडोर ब्रॉडर में देखें तो यह है अल सलवाडोर यह है यूएसए पैसिफिक ओशन साउथ अमेरिका टू बी स्पेसिफिक ये ब्राजील है ये अटलांटिक ओशन है ये स्ट्रेट ऑफ जिप्राल्टर है और ये है अफ्रीका नेक्स्ट है आसाम से रिलेटेड सो रिसेंटली एपीईडीए जो कि हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आसाम की मदद की है एक्सपोर्ट करने के लिए क्या एक्सपोर्ट करने के लिए बर्मीज ग्रेप्स और इनको बोला जाता है लेतेकू सो so, ये कहा से कहा एक्सपोर्ट किए गए हैं गुवाहाटी जो कि आसाम में है गुवाहाटी से दुबई सो so, आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली द टर्म लेते न्यूज इट इज सो इट इज अ टाइप ऑफ ग्रेप्स रिसेंटली इट वाज एक्सपोर्टेड टू यू एट्स वाई इट वॉज इन न्यूज इसके अलावा रिसेंटली एपीईडीए ने कुछ और प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में हेल्प की थी एक है रेड राइस जो कि ब्रह्मपुत्र वैली में उगाया जाता है और रिसेंटली इसका फर्स्ट कंसाइनमेंट यूएसए को सेंड किया गया था इसके अलावा रिसेंटली एक और प्रोडक्ट है काजी नेमो ये भी आसाम का एक प्रोडक्ट है इसको आसाम लेमन के नाम से जानते हैं ये लंदन एक्सपोर्ट किया गया था और ये जीआई प्रोडक्ट है जीआई का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसके अलावा बिहार का जर्दालू आम जर्दालू मैंगो और शाही लीची ये भी रिसेंटली न्यूज में थे और ये दोनों भी जी आई प्रोडक्ट है बिहार के नाउ कमिंग टू नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर तो इसके कंटेक्स में रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में थी एनई आर ए एम ए सी इसका फुल फॉर्म क्या है नॉर्थ ईस्ट रीजनल एग्री मार्केट कॉर्पोरेशन और ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंडर में है रिसेंटली ये न्यूज में थी क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला फाइनेंसारमन उन्होंने अनाउंस किया है कि इस बॉडी को रिवाइव किया जाएगा और इसके लिए फाइनेंशियल पैकेज की घोषणा की है सो so, इसलिए ये न्यूज में थी नाउ कमिंग बैक टू आसाम सो रिसेंटली आसाम दो और इश्यूज के कारण न्यूज में था एक है गार्जियन मिनिस्टर्स सो रिसेंटली आसाम ने गार्जियन मिनिस्टर्स का कॉन्सेप्ट शुरू किया है जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मिनिस्टर को डिस्ट्रिक्ट के गार्जियन के तौर पर अपॉइंट किया है ताकि उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व किया जा सके दूसरा आसाम न्यूज में था दो नेशनल पार्क के लिए सो आसाम ने दो नए ने नेशनल पार्क अनाउंस किए हैं एक है देहिंग पटकाई और दूसरा है रायमोना सो अब आसाम में टोटल नेशनल पार्क हो गए हैं सात दो तो ये है इनके अलावा पांच है काजीरंगा मानस डिब्रू सिखोवा नामेरी एंड राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क नेक्स्ट है रिलेटेड टू आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सो रिसेंटली इस स्कीम स्कीम न्यूज में थी क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने इस स्कीम को एक्सटेंड किया है 31 मार्च 2022 तक सो so, ये एन बी आर वाई है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है सो so, ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज करना ताकि वो नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें और उनके साथ साथ लोगों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिले ये कोविड के टाइम पर अनाउंस की गई थी क्योंकि कोविड की वजह से काफी लोगों की जॉब लॉस हुई थी सो so, इस स्कीम के तहत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 12 परसेंट एम्प्लॉई का शेयर और डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ का मतलब है कि इसमें कितने लोग काम करते हैं उसके बेस पर बारह परसेंट का स्ट्रेंथ है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगी सो इन सिंप्ल टर्म ईपीएफओ है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ये इसको इम्प्लीमेंट करेगी तो इसके लिए यूज परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाता है एम्प्लॉई के द्वारा और रिमेनिंग 12 परसेंट दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा सो नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से गवर्नमेंट इनमें से कुछ के लिए एम्प्लॉय वाला कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी और कुछ के लिए दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी जो स्टूडेंट्स ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस स्कीम को थोड़ा डिटेल में पढ़े क्योंकि इसमें से डीप में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि, कि क्या नंबर है या अपर लिमिट है जिसके ऊपर वाले में सिर्फ एक साइड में कंट्रीब्यूशन किया जाएगा स्कीम लॉन्च कब की गई थी और अभी क्योंकि ये एक्सटेंड कर दी गई है है तो लास्ट डेट ऑफ मार्च और 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 कमेंस हुई थी अक्टूबर को और एक इंपोर्टेंट और बात इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो दो साल तक सब्सिडी देंगे नेक्स्ट रिलेटेड टू एल आई डी ए आर सर्वे सो रिसेंटली फॉरेस्ट रिसोर्सेज में कितने पानी की जरूरत होती है इस चीज को मैपिंग करने के लिए लिडार सर्वे करवाया गया था और इसमें मेन रोल प्ले किया था वपकोस ने ये एक पीएसयू है सो so, सबसे पहले लिडार है क्या लिडार राडार और सोनार तीनों ही मोरलेस सेम चीज हैं बस इनमें मीडियम डिफरेंट है लिडार के केस के में लाइट के 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 यूज की जाएगी राडार के केस में रेडियो वेव्स और सोनार के केस में साउंड वेव्स यूज की जाएंगी सो एल आई डी ए आर का फोर्फॉर्म क्या है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सो एक रिमोट सेंसिंग मेथड है अब ये काम कैसे करता है ये मान लीजिए एल आई डी ए आर शो से लाइट बीम गई और ये इस ऑब्जेक्ट से टकराई टकराने के बाद ये वापस आएगी और इसकी इंटेंसिटी से पता लगाया जाएगा कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है ऑब्जेक्ट की साइज क्या है सो so, अभी एल आई डी ए आर की मदद से फॉरेस्ट में वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है इसके बारे में सर्वे किया गया है सो so, आपको समझाने के लिए एक ऐसे ही रैंडम पिक्चर है बट इससे आपको समझ में आएगा ये मान लीजिए फॉरेस्ट एरिया है सो so यहाँ पर ये लाइट की मदद से ये बीम्स की मदद से ये फाइंड आउट किया जाएगा कि कहां पर कितनी वाटर रिक्वायरमेंट है क्योंकि एक सिंपलेस्ट प्रिंसिपल ये है कि डिफरेंट मीडियम में लाइट के रिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट हो जाएगी अब वो आपको उसकी बात करें तो ये है वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में नेक्स्ट रिलेटेड टू द वेबसाइट ऑफ नशा भारत ऑफ सोशल की है कैंपेन का नाम है नशा मुक्त भारत और ये लॉन्च की गई थी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के ओकेजन पर ना ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट चीज ये है की एक तो यू एन ओडीसी इसके बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं गोल्डन ट्राइंगल एंड क्रिसेंट इसके बारे में भी कवर कर चुके हैं एनसीबी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में भी कवर कर चुके हैं और ड्रग रिपोर्ट के बारे में भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा ड्रग्स से रिलेटेड रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन भी न्यूज में थी आई एन सी बी ये है इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड रिसेंटली ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए न्यूज में थी क्योंकि इंडिया की मिस जगजीत पवाड़िया इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बनी है और इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गे वियाना में वियाना सो so ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स फर्स्ट है चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम सो ये तेलंगाना सरकार की एक पहल है नेक्स्ट है एनई ट्रस्ट So, -E का मतलब है नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट ट्रस्ट सो एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट देने के लिए ये ट्रस्ट बनाई गई है रिसेंटली ये न्यूज में थी क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट अनाउंस की है नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स सो ये था ट्वेंटी जून को इसके अलावा ट्वेंटी जून को नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे के तौर पर भी मनाया गया नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे है वो पीसी मेहल्नोविस की बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है जो कि है ट्वेंटी जून को इन्हीं के कंटेक्स में आपने एक टर्म भी पढ़ी होगी इंडिया की प्लानिंग हिस्ट्री के बारे में मेहलनोविस मॉडल जिसमें हेवी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया था नेक्स्ट है भारत नेट सो ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके तहत विलेज एरियाज को इंटरनेट यानी ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा रिसेंटली ये न्यूज में थी क्योंकि इसके लिए एडिशनल फाइनेंशियल एलोकेशन की गई है नेक्स्ट है अजगाबाद सो ये तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है रिसेंटली ये न्यूज में थी क्योंकि मसर जो कि एक कंसल्टेंसी फर्म है उन्होंने एक रैंकिंग जारी की है रैंकिंग के हिसाब से ये दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है फॉर फॉरेन वर्कर्स नाउ तुर्कमेनिस्तान के बारे में एक खास बात यह है कि तुर्कमेनिस्तान मैनिस्तान एस का मेंबर नहीं है इवन दो एक सेंट्रल एशियन कंट्री है बाकी चारों सेंट्रल एशियन कंट्रीज एस का मेंबर है एस है सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सो इसमें चार सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, रशिया चाइना और इंडिया और पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान अस्थाना समिट के बाद एस मेंबर बने हैं इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान से रिलेटेड एक और प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है यह है तापी प्रोजेक्ट कमेंट बॉक्स में बताइए तापी प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म क्या है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नेक्स्ट है प्रवीण सिन्हा सो रिसेंटली मिस्टर सिन्हा इसलिए न्यूज में थे क्योंकि वो सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं सीबीआई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंटरपोल में जो की है इंटरनेशनल पुलिस उसमें सीबीआई इंडिया को रिप्रेजेंट करती है का मुख्यालय है फ्रांस के नेक्स्ट है पी साइनाथ सो वो एक वेटर्न जर्नलिस्ट है रिसेंटली उनको जापान के फुको का प्राइज के लिए सिलेक्ट किया गया है ये जापान का एक प्राइज है इसके अलावा रिसेंटली मिस्टर आर के सबरवाल को ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है ये मंगोलिया का एक अवार्ड है मंगोलिया का एक फेमस डेजर्ट है गोबी डेजर्ट सो ये अवार्ड क्यों दिया गया ये अवार्ड दिया गया मिस्टर के रोल के लिए और इनके चलते ही मीन्स इन्होंने इस काम में अहम भूमिका निभाई और उसी के चलते मंगोलिया में पहली ऑयल रिफाइनरी शुरू की गई थी यानी इसमें इंडिया ने एक की रोल प्ले किया है सो मिस्टर सबरवाल है कौन वो है सीएमडी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट की है और ये न्यूक कैपेबल यानी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज है एक हजार से दो हजार किलोमीटर तक सो so, अब आपको समझ में आ गया? अब आपको समझ में आ गया होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस क्या है तो उनकी रेंज में भी आपको एक चीज नोटिस करनी है कि दोनों की रेंज में कितना डिफरेंस होता है यूजुअली मीन्स आपको नंबर्स याद नहीं करने हैं बट यूजुअली जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स होती हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं अगेन इसके एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं नेक्स्ट है ड्रेक चोविन या आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करो सो so, कुछ महीने पहले यूएसए में पुलिस ब्रुटैलिटी की वजह से एक इंसान की मौत हुई थी उनका नाम था जॉर्ज फ्लोड और इनकी मौत के बाद यूएसए में ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट है वो वो रिवाइव हुआ था और उनकी मौत के लिए जो थे वो Shuvin, जो थे है ड्रेक पुलिस ऑफिसर है वो न्यूज में थे क्योंकि उनको पनिशमेंट जेल टर्म दी गई है साढ़े बाईस साल की सो so आपको यहाँ पर पनिशमेंट याद नहीं रखना है बट पर्सन का नाम आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश सो रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने एक ऑर्डर इश्यू किया है यानी आंध्र प्रदेश सरकार ने एक ऑर्डर इश्यू किया है कि अब इंटरव्यूज के प्लेस पर केवल रिटर्न एग्जामिनेशन होंगे इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी को लेकर आना सो so, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स और आर्टिकल्स